जय श्री कृष्णा। जनार्दन का लौटना, हंस द्वारा उसकी प्रताड़ना करना और सात्विक द्वारा श्री कृष्ण संदेश। उपरोक्त प्रसंग के चलते वैशंपायन जी ने जन्मेजय को कहा कि वीर सात्विक विप्रवर जनार्दन के संग हंस को मिलने हेतु शालव नगर में पहुँचे और राजभवन में प्रवेश किया। विप्र जनार्दन ने सात्विक का परिचय हंस डिंबक से करवा दिया कि आप हैं सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण के दाएं हाथ और आपके सभा स्थल में भगवान कृष्ण जी का प्रति उत्तर लेकर दूत रूप में आए हैं। हंस डिंबक ने औपचारिकता का निर्वहन करते हुए उससे वासुदेव, उग्रसेन, बलराम, श्री कृष्ण आदि सभी यादवों का कुल कुशल क्षेम पूछा। सात्यक ने कहा, हाँ, मैं सिर हिलाकर उत्तम थमाया। अब हंस ने अपने मित्र जनार्दन से श्री कृष्ण जी से भेंट करके उसका संदेश देने पहुंचाने के विषय में पूछा। जनार्दन ने अति आत्मीयता का प्रदर्शन करते हुए कहा, मित्र, हाँ, मैंने उनका दर्शन किया है। उनके एक हाथ में शंख तो दूसरे में चक्र के अतिरिक्त उनके बाजू बंद स्वर्णाभूषणों में झिलमिलाती मणियों से सुशोभित है। वहाँ दरबार में मागध, सूत, बंदीगण उनके यश की गाथाओं का वर्णन कर रहे थे। श्री कृष्ण जी को देखकर मेरा मन पुलकित हो गया। मैंने बार बार उस अजन्मा जगतगुरु का दर्शन किया जो अपनी वाणी से यादवों को आनंद प्रदान कर रहे थे। हंस ने जनार्दन से कर मिलने ना मिलने के विषय में पुनः पूछा, लेकिन विप्रश्रेष्ठ जनार्दन अपनी भक्ति की रट लगाता रहा। श्री कृष्ण जी का दर्शन करने मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। उस मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के साथ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी भी अमूल्य है एवं सुंदरतम सिंहासन पर विराजमान थी। मंद मुस्कान वाली रूप माधुरी का दर्शन भी जीवनदायी है। उनकी सुधर्मा सभा की आभा ही अलौकिक है। मैंने उन्हें कर प्रदान करने की बात कही तो वह क्रोधित एवं विस्मत स्वर में कहने लगे, कहा है, वे दुष्ट कहाँ मिलेंगे? मुझे से कर मांगने वाले दुष्ट है कहाँ? इन दुष्टों को युद्ध क्षेत्र में अपने चक्र से उनका मस्तक काट कर ही रूप में दूंगा। उनकी सहायता हेतु भगवान शंकर स्वयं भी आ जाएंगे तो भी मैं इन दुष्टों का वध करूंगा। अतः हे मित्र राजकुमारों, मेरी मानो तो यह कार्य बड़ा ही कठिन और दुष्कर है। इस विचार को त्यागने में ही भलाई है और जो कुछ श्री कृष्ण जी की ओर से संदेश है उसे मेरे साथ आए हुए महात्मा सात्विक बता देंगे। वाह विप्र जी, वाह, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हो? मति मंद ब्राह्मण हंस ने कहा, अपने तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का निश्चय किया है और आप हैं कि हमें निरुत्साहित कर रहे हो। हमने अपनी दिग्विजय करने की तैयारी कर रखी है। आप वहां जाकर उसके माया जाल के चक्कर में ऐसे फंस गए कि मेरा ही होकर मेरे ही सामने मेरे ही शत्रु की बढ़ाई कर रहे हो। तुम हमारे मित्र हो, अतः हम इस कठिन विपत्ति में ही ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहते। तुम्हें छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, अन्यथा अभी से तुम्हारा वध कर देता। मित्र, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से शीघ्र से चले जाओ। कहीं भी, सारी पृथ्वी तुम्हारे भ्रमण हेतु खुली है। तुम मेरी नज़रों से तुरंत कहीं दूर चले जाओ। दृष्ट और कटुवादी कहीं का, हे यादव दूत सात्विक, कहो तुम यहाँ क्यों आए हो? इस नंदपुत्र ने हमारे लिए क्या प्रस्ताव भेजा है? क्या कोई कर भिजवाया है या नहीं? इसके उत्तर में सात्विक बोले, हंस, शंख, चक्र, गधा और शांग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण का सत्य वचन सुनो। वे तुम्हें तलवार से, श्रांग धनुष से, छूटे तीखे पैने बाणों से, चक्र से मस्तक काट कर चुका देंगे। हे नराधम, इससे बढ़कर तेरी धृष्टता और क्या हो सकती है कि तुमने देवाधिदेव जगन्नाथ से कर लेने का साहस कर डाला। भगवान शंकर से मिले वरदान के घमंड में आकर श्री कृष्ण से ऐसी धृष्टता कौन कर सकता है? तुमने जिस जीवा से यह बात कही है उस जीवा को काट डालना ही श्रेयस्कर होगा। अरे, उनके श्रांग धनुष की टंकार और पांच जने शंख की ध्वनि मात्र से बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, दहल जाते हैं। तुम तो तुच्छ प्राणी मात्र हो। तुम दोनों मदांधों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही मारने में सक्षम हैं।
भगवान ने कहला भेजा है कि तुम जहाँ चाहो पुष्कर, गोवर्धन नगरी, मथुरा अथवा प्रयाग आदि में आकर कर ले जाओ। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त राजसूय यज्ञ करने वाला कोई नहीं है। तुम तो व्यर्थ में ही पागलों की तरह कल्पना लोक में विचरण करते हो। यह कहकर सात्विक मौन हो गया। सात्विक द्वारा अपने संदेश का प्रति उत्तर पाकर हंस डिंबक दोनों क्रोध से लाल हुए, नेत्रों से सभी राजाओं को ऐसी देखने लगे कि जैसे बस चले तो पूरे जगत को अभी भस्म कर डाले। क्रोध से दांत पीसने लगे और हाथों को झटकते हुए हंस चिल्लाया, कहा, वह नंदपुत्र ग्वाला कृष्ण कहाँ है बलराम? अब वे सात्विक पर आक्षेप करके फिर से बोले, अरे ओ यादव के बच्चे, हमारे पास आकर तू इस प्रकार बक रहा है, निकल जा यहाँ से। तू दूध बनकर आया है, इसलिए नीति के अनुसार तुझे छोड़ रहे हैं, अन्यथा तू निर्लज इतने कठोर वचन कहकर बच पाता, हम दोनों नरेश इस संपूर्ण जगत पर एक छत्र शासन करने के लिए उद्धत हैं। इस कृष्ण के अतिरिक्त और कौन राजा है जो कर ना देकर जीवित है? तुमने जिन सहायकों के नाम लिए हैं वे सब कायर हैं। कायर इन सब को युद्ध भूमि में मारकर फिर केशव और पराजित होंगे। जाओ, जाकर अपने कृष्ण को बोल दो कि वह जितनी चाहे शस्त्रों व सेनाओं की तैयारी कर ले। अब मैं सभी यादवों का वध करके ही अपने पिता को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दिलाऊंगा। सब गोपों वालों को मारकर सब संपत्ति, हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राएं और गोधन छीन लूंगा। परसों को युद्ध पुष्कर में होगा। अब तू दूत होने के नाते शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से चला जा और परसों युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे यादवों का बल पराक्रम देखूंगा। सात्विक ने भी साथ की साथ उत्तर दे मारा, हम भी तुम दोनों भाइयों को मारने हेतु परसों पुष्कर में पहुँच रहे हैं, और जान लो कि आज मैं दूध बनकर ना आया होता तो अभी तुम दोनों का वध करके लौटता। जैसे तुम्हारी कड़ुवी कसैली और कठोर वाणी है, तुम दो दिनों तक और जिंदा रहने के अधिकारी नहीं हो। मेरी लाचारी है कि मैं दूत रूप में आया हूँ, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का वध करके मैं परम संतोष प्राप्त करता। अब तो दैत्य और दानवों का वध करने वाले पुराण पुरुष सिंह के समान बल विक्रमशाली ही अपने तीखे पैने बाणों से तुम्हारा घमंड चूर करेंगे। ऐसा कहकर सात्विक रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गया। अब भगवान श्री कृष्ण और हंस डिंबक द्वारा सेनाओं को पुष्कर ले आना। हे जन्मेजय, वैशंपायन जी कहने लगे कि शिनिवंश शिरोमणि सात्विक ने द्वारिका में प्रवेश पाकर अपना सब हाल ज्यों का त्यों कह डाला। श्री कृष्ण ने सभापतियों को समझा दिया। प्रातः होते ही रथ, हाथी, अश्व, सेना सहित तैयार खड़े थे। सेना ने प्रस्थान किया। सबसे आगे वीर महाबली सात्विक ही थे। वे क्रोध में भरकर आगे होकर चले। पीछे सिंहनाद व घोर गर्जना करती सेना चलने लगी। श्री कृष्ण सर्वोत्तम स्थान धारण किए थे। उनके हाथों में श्रांग धनुष व बाण शोभा पा रहे थे। उनके पास शंख, चक्र, गदा और उत्तम खड़ग भी शोभायमान थे। उनके हाथों में गोह चर्म के दस्ताने पहने थे। पीताम्बरधारी नूतन जलधर की सी शोभा पा रहे थे। वीर यादव हाथियों, घोड़ों, रथों पर और पैदल वाले सैनिक अपने शस्त्रास्त्रों को लेकर चल रहे थे। पुष्कर प्रस्थान से पूर्व वैदिक मंत्रों का पाठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने किया और श्री कृष्ण को विजय प्राप्त करने का आशीष दिया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख के उद्घोष से सारा आकाश मंडल गुंजित कर दिया। युद्धोत्तेजक बैंड बाजे भी बजवाए गए। भेरियाँ और मृदंग बज उठे। सभी नृपश्रेष्ठ उपुष्कर के पास आकर ठहरे। सरोवर के तट पर सेना की छावनी डाल दी। शोभाशाली सरोवर के निर्मल जल का गोविंद श्री ने आचमन किया। वहां रहने वाले यतियों मुनियों को नमस्कार करके तथा स्थिति से अवगत करवा कर उनसे शुभाशीष ग्रहण की। इधर शालव नगर से हंस और डिंबक के विशाल धनुष लिए ध्वज सहित रथ पर चढ़कर सेना के आगे आगे आ गए। उनके भी आगे दो विशालकाय भूत चल रहे थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं, मस्तक पर त्रिपुंड और पूरे तन बदन पर भस्म रमी थी। उनका सिंहनाद भी सर्वदा भयंकर लग रहा था। पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक आ रहे थे। इस सेना में 10 अक्षोहिणी सेनाओं का मिलन था। इनमें विचकर
नामक का एक विशाल दानव भी था जो इन बलशाली बंधुओं का पहले से ही मित्र था। इनके सम्मुख वज्रधारी इंद्र भी नहीं ठहर पाते थे। इस विचक्र ने पहले विष्णु के साथ भी युद्ध किया था और यादवों को भी घोर कष्ट पहुंचा चुका था। ये सब पुष्कर की ओर चल रहे थे। शिलाशूल और तलवारों से सुसज्जित हुआ सेना को लेकर डिंडम्ब नामक रक्षक राक्षस भी युद्ध में विचक्र की सहायता अर्थ चल रहा था। डिडिम्ब की सेना 88,000 थी। आगे आकर हंस, डिंबक, विचक्र एवं डिडिम्ब की तीनों सेनाएं एक हो गई। जरासंध ने यह युद्ध में ब्रह्मशाप के कारण भाग नहीं लिया। हंस के अनुयायी राजा गण भी श्री कृष्ण को पछाड़ने की नीयत से संघ को हो लिए थे। पुष्कर पहुंचकर डेरा डाल दिया और वीर वेशभूषा में श्री कृष्ण को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। दोनों ओर के योद्धाओं में उत्साह और युद्ध की ललक दिखाई देने लगी। नाना प्रकार के युद्ध वाद्यों की ध्वनियां राक्षसों के सिंहनाद से मिलकर एक हो गई।